बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 3 का जो टॉपिक रिमेनिंग रह गया था वो कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टेंशन के बारे में, जहां हमने देखा था कि दोनों बॉडीज़ क्या की थी, वर्टिकली अटैच थी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें एक बॉडी क्या कर रही है, हॉरिजेंटली मूव कर रही है, और एक बॉडी क्या कर रही है, वर्टिकली मूव कर रही है। इसको करने से पहले सबसे पहले हम डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक हमारे पास बी है। ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रही है, जिसको ऊपर की तरफ लग रही है, वो हमारे पास क्या है, टेंशन है। और जो नीचे डाउनवर्ड एक्ट करवाती है वो किस वजह से करवाती है, ग्रेविटी की वजह से करवाती है। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसमें एक बॉडी हॉरिजेंटली है, यानी आपके पास जो ब्लॉक बी है वो क्या कर रहा है, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, और जो ब्लॉक ए है वो वर्टिकली मूव कर रहा है। अब हम इसको समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमने दो ब्लॉक्स ले लिया, एक ब्लॉक ए ले लिया और एक ब्लॉक बी ले लिया। ब्लॉक बी को हमने हॉरिजेंटली रख लिया और ब्लॉक ए को हमने वर्टिकली रख लिया। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ हम वर्टिकली अटैच करवाते हैं तो वो क्या करती है, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी। जाहिर सी बात है, जैसे ही ये नीचे आएगी, बॉडी बी क्या करेगी, हॉरिजेंटली मूव करना स्टार्ट कर देगी, और ये क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता मूव करके आगे आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही बॉडी नीचे आएगी, इस पर जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ए। अब हम देखते हैं बॉडी ए पे जो फोर्स लग गया वो हमारे पास किसके इक्वल है। जाहिर सी बात है, अब ये बॉडी क्या कर रही है, पहले डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम वन जी। और टेंशन क्या कर रही है, इसके अगेंस्ट लग रही है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, उसके साथ आ जाएगा टी। ये हमारे पास आ गई वो वाली बॉडी जिस पे फोर्स लग रही है जब वो नीचे की तरफ आ रही है, यानी वर्टिकली जो फोर्स लग रही है। अब हम इसके मुताबिक देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ के मुताबिक हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के लॉ के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है, एम वन जी माइनस टी। अब हम यहाँ लिख देंगे एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। एम के साथ हम वन डाल देंगे। वन हमने क्यों डाला, ताकि हमें पता चले हम मैस वन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, एम वन डाल दिया। अब इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन वन है। ये वो वाली बॉडी जो वर्टिकली मूव कर रही है। अब दूसरी बॉडी जो है वो आपके पास बी है, दूसरा ब्लॉक आपके पास बी है। अब बी क्या कर रहा है, वो नीचे डाउनवर्ड तो नहीं ना एक्ट कर रहा, यानी उसको क्या कर रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ रख रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास नेट फोर्स एक्ट कर रही है, नेट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी बी, बॉडी बी पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो किसके इक्वल होगी। अब ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, और उसके ऊपर मुसलसल क्या अप्लाई हो रही है, टेंशन अप्लाई हो रही है। इसलिए हम कह देंगे कि जो नेट फोर्स बी बॉडी पर एक्ट कर रही है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, टेंशन के इक्वल। अब हम देखते हैं न्यूटन के लॉ के मुताबिक हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के लॉ के मुताबिक हमारे पास फार्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए, ऐसी ही बात है ना। अब देखिए हमारे पास जो एफ है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, टी के इक्वल, वो हम यहाँ पे टी लिख देंगे। एम ए हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, लेकिन इस एम के साथ हमारे पास क्या आएगा, टू आएगा। टू क्यों आएगा, क्योंकि हम ब्लॉक बी की बात कर रहे हैं और ब्लॉक बी का मैस हमारे पास क्या है, एम टू। अब हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर टू। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमने फाइंड करनी है जिसमें हमने पहले किया था, टेंशन भी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जो हमारे पास आई हैं, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एट इक्वेशन वन एंड टू। अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। इक्वेशन वन आपके पास क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं
एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, और इक्वेशन टू आपके पास क्या है, टी इज इक्वल टू एम टू ए। अब देखिए ये वाला टी क्या करेगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए प्लस एम वन एम टू ए, हमारे पास ये बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे हम किस तरह निकालेंगे, हमारे पास बच गया है एम वन जी, क्योंकि ये टी से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एम वन ए, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस एम टू ए। अब हम इसमें क्या देखते हैं, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ए कॉमन है, हम ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एम वन जी इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया एम वन प्लस एम टू, ठीक है। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना था, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करते हैं, ए इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एम वन जी ऊपर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा एम वन प्लस एम टू। ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रहा है। जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करती है और एक बॉडी वर्टिकली मूव करती है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम वन जी ओवर एम वन प्लस एम टू। अब हम फाइंड करते हैं कि हम टेंशन किस तरीके से निकालेंगे इसमें। अब हमने टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालने के लिए बहुत सिंपल है, हमारे पास ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है ना, उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू में पुट करके टेंशन निकालेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन टू। अब हम इसको इक्वेशन टू में पुट करके देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन टू क्या थी, हमारे पास इक्वेशन टू थी टी इज इक्वल टू एम टू ए। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, टी हमारे पास क्या करेगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक। एम टू भी हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम वन जी ओवर एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अब सिंपल ये क्या करेगा, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास टी इज इक्वल टू एम वन एम टू जी ओवर एम वन प्लस एम टू। ये हमारे पास क्या आ गई, टेंशन इन आ स्ट्रिंग, जब एक बॉडी क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और एक बॉडी क्या कर रही है, वर्टिकली मूव कर रही है। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।